सोनी टीवी का चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी इन दिनों टॉप पर चल रही है और शो के स्पेशल सेगमेंट कर्मवीर स्पेशल में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए हैं और समाज में अपना योगदान दिया है। और पिछले कर्मवीर स्पेशल में भी एक महिला आई थी जो समाज में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है और महिलाओं के लिए काम कर रही है। इस महिला का नाम है सुनीता कृष्णन, जो कर्मवीर स्पेशल में पहुंची और अपनी बहादुरी के किस्सों से सभी को हैरत में डाल दिया। सुनीता ने एपिसोड में खुद से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाए जिसे सुनकर अमिताभ और वहाँ मौजूद दर्शक आश्चर्य में पड़ गए। सुनीता कृष्णन एक समाज सेविका है और समाज में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों और अत्याचारों से महिलाओं और लड़कियों को बचाने और न्याय दिलाने के लिए काम करती है। इनकी एक संस्था है जिसके माध्यम से वो सारे काम करती है और महिलाओं और लड़कियों की मदद करती है। सुनीता जब छोटी थी तभी से उनका मन समाज सेवा में लग गया था और 8 साल की उम्र में सुनीता ने मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिया था। और जब वो 15 साल की थी तभी ऐसे बच्चों को पढ़ाने लगी थी जो पढ़ने में सक्षम नहीं थे। इसी समय उनके साथ एक हादसा हुआ जब वो महज 15 साल की थी और 8 लोगों ने उनके साथ रेप किया, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी और समाज में महिलाओं पर होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया और आज भी कर रही हैं। सुनीता ने बताया कि उन्होंने वैश्यालय से एक 3 साल की बच्ची को भी रेस्क्यू किया है और वो अब तक 22,000 महिलाओं को बचा चुकी हैं। सुनीता की ये कहानी सुन सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। बहादुरी के लिए सुनीता को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। केबीसी के एपिसोड में पहुंची सुनीता से अमिताभ ने कई सवाल जवाब किए और सुनीता ने शो से 12,50,000 की धनराशि जीती और 25 लाख के सवाल पर गेम से क्विट कर दिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.